और औरंगाबाद के बारून में राजद के जी औरंगाबाद जिला युवा जिला अध्यक्ष राहुल यादव को बनाया गया। इस उपलक्ष्य में बारून में ही राजद नेताओं के द्वारा अनलॉक के नियम का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ बधाई दी, जिसमें मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष सुरेश मेहता, पूर्व विधायक भीम कुमार सिंह, विधायक वीरेंद्र कुमार सिन्हा, जिला परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि संजय सिंह शंकर यादव, सपा जिला अध्यक्ष तुलसी यादव, सुबेद एवं तमाम गणमान्य लोग वक्ताओं ने अपने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में पार्टी के द्वारा युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि युवाओं का जोश व पार्टी के पदाधिकारियों का अनुभव के साथ यदि कार्य करें तो किसी को भी मात दिया जा सकता है। जिस प्रकार लोग अब सोशल नेटवर्क से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार जमीनी स्तर पर भी करने की आवश्यकता है। युवाओं के द्वारा ही नए राजनीति व बदलाव की आशा है, जिसे युवाओं के द्वारा एक संगठन तैयार कर अनुभवी नेताओं के साथ चलना है। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन प्रखंड अध्यक्ष अनिल टाइगर ने किया। मौके पर रमेश यादव, कुणाल प्रताप एवं तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपका क्या नाम है? शंकर कुमार यादवेंदु, हम जिला परिषद के सदस्य हैं औरंगाबाद। राहुल यादव जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं राहुल जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि इनके कुशल नेतृत्व में यहाँ का युवा इस जिले को पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और इनके नेतृत्व में पार्टी का चुनाव होगा। आदरणीय श्री सुरेश मेहता जी जो मेन टीम के अध्यक्ष हैं और राहुल जी युवाओं के नेतृत्व संभालेंगे और 6 सीट पर हमारी पार्टी जीत हासिल करेगी। सर आपका क्या नाम है? सुरेश मेहता नाम हुआ, औरंगाबाद विधानसभा का पूर्व विधायक है, अभी वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष है। अभी बारून में जो है राहुल जी को जिला युवा अध्यक्ष बनने को लेकर के अभिनंदन समारोह किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद करते हैं आज की युवाओं के प्रति, चूंकि आप लोगों ने इन्हें चयनित किया है, क्या कहना चाहेंगे? हमको ऐसे कुछ कहना नहीं है, लेकिन ये बात दुनिया जानता है कि युवाओं का जुगा गया है। हम लोग का नेता जो प्रतिपक्ष के हैं, पूर्व डिप्टी सी एम तेजस्वी यादव ने, युवा हैं और युवा का संख्या भी हमारे राज्य देश में 60-70% है और युवा ही कल का भविष्य है। हम लोग आज हैं, कल हो सकता है कि भी इन लोग के बीच न रहे, लेकिन हम लोग मार्गदर्शन आशीर्वाद युवाओं को देते रहेंगे, देते हैं और पूरा का पूरा उम्मीद हमारे तेजस्वी यादव ने उम्मीद जताया है। राहुल का रिक्त युवा का जिला अध्यक्ष बनाने में उनका जो योगदान रहा, उनका जो आशीर्वाद रहा है, पूरा उम्मीद भरोसा है कि हमारे राहुल यादव ने युवाओं को जिला में एक संगठन बनाकर हम जैसा पूर्व विधायक और सह जिला अध्यक्ष हैं सह पार्टी के करेंगे और हम लोग दोनों मिलकर एक तरफ से युवा रहेगा, एक तरफ से हम लोग मेन पार्टी का पदाधिकारी रहेंगे और दोनों मिलकर कार्य संदान करेंगे और आने वाला जो विधानसभा है 2020 नवंबर दिसंबर में जो आने वाला है उस चुनाव में। राहुल जी आपको युवा जिला अध्यक्ष बनाया गया आरजेडी का, आज आप अभिनंदन समारोह में सारा सम्मिलित है, क्या करना चाहेंगे युवाओं के प्रति? आज हम लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? अभिनंदन समारोह किया गया हमको, आज से हम युवा आरजेडी के जिला अध्यक्ष के काम करेंगे और गरीब गुरबा और क्या अति पिछड़ा को लोगों को जोड़ेंगे, जितना हमको बनेगा युवाओं को सक्रिय करेंगे और बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी हम पर विश्वास किए हैं उस पर उतरेंगे और 6 विधानसभा हम लोग औरंगाबाद के जीत के उनको मुट्ठी में देंगे।